नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, sathihindi.com पर आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी स्टोरी पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूँ जो हमारे देश के नौजवानों के बारे में है, जो इस समय इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। दुनिया चूंकि बहुत तेज़ी से बदल रही है, रोजगार के पुराने साधनों की जगह नए साधन उतनी मात्रा में जगह नहीं ले पा रहे हैं, तो बहुत सारे रोजगार छिन रहे हैं। इस सब का बोझ भी उन्हीं पर डाला जा रहा है कि वो आज की व्यवस्था के काबिल नहीं है, इस दौर के हिसाब से तैयार नहीं है, मेहनती नहीं है। तो ये नौजवानों में इस सब से बहुत ही तनाव है। बहुत सारे नौजवान बहुत नकारात्मक बातें इस वजह से सोचने लगते हैं, जिनको बढ़ावा देना कहीं भी ठीक नहीं होगा, जैसे आत्महत्या वगैरह के विचार। उसी समय अगर उनके साथ सांगठनिक तौर पर और देश के सबसे बड़े नाम के साथ और उसके समर्थकों के साथ एक मिलीजुली ठगी हो जाए और वो कुछ कर पाने की स्थिति में न हो, तो आप उन सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी और कितनी कठिनाई होंगे। तो ऐसे कई सैकड़ा नौजवानों का दुख आज मेरी स्टोरी का विषय है। स्क्रीन पर आपके सामने इस समय नील पटेल, उसका असली नाम है हितेश कुमार पटेल, वो उसी जगह का निवासी है जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले के बिल्कुल अड़ोस पड़ोस का निवासी है। इस बात को बहुत बोस्ट भी करता है, ये भी कहता है कि उसके परिवार में एक विधायक रहे हैं जो वर्षों वर्ष विधायक रहे इन्हीं लोगों के साथ के। कई वो नाम उछालता है जो बताते हैं कि जो बीजेपी में बड़े पदाधिकारी हैं, और उन वो सबको अपने परिजन बताता है, और वो लोगों से ये कहता है कि वो इनको जानता है, और जानता नहीं है, बहुत निजी रिश्तों में है। इसकी धमक इस तरह से पता लगती है कि जो सोशल मीडिया में कैंपेन करने वाले, असर डालने वाले, और जिसे आप कह सकते हैं जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनका प्रभाव है, एक लिस्ट है मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा, अगर वो सारे लोग भी वही कह रहे हों जो उसने कहा है एक खास समय में, बाद में से उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी राय बदल ली, बहुत सारे लोग कोई जवाब देने की जगह छुप गए इस सवाल का जवाब देने, और बहुत सारे लोग उन लोगों को मझधार में छोड़ के चले गए जो उनकी वजह से मझधार में पहुँच गए, लेकिन अभी आप जब उस लिस्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ट्विटर का हु इज़ हु है, जैसे अंग्रेजी में राइट विंग कहते हैं, तो आप एक हु इज़ हु जैसा आपको लगेगा। आप उसमें देखेंगे कि उसमें दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं जो IPS हैं, वो भी अपने विचार और काम से आप कह सकते हैं कि सरकार में रहते हुए बहुत सारे लोग नहीं बोलते, बहुत सारे लोग या तो आलोचनात्मक बोलते हैं या समर्थन में बोलते हैं, तो वो समर्थन में बोलने वाले लोग हैं, ऐसे दो IPS भी हैं, और सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं। शुरुआत में करता हूँ, देखिए आप इस RJ से मिलिए, जिससे अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, तो मैं वो दोनों वीडियो आपको सुनवाता हूँ। पहले प्रधानमंत्री जी से बात वाला, उसकी सामर्थ्य देखिए कि वो उसकी एक्सेस कहाँ तक है। ये RJ रौनक है, बहुत प्रसिद्ध है, ये भी आप कह सकते हैं कि सरकार के समर्थन में और प्रधानमंत्री जी के समर्थन में खासकर बहुत सारे प्रोग्राम भी करते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं खुले तौर पर, उसमें कोई छुपा हुआ नहीं। तो RJ रौनक साहब, इनको देख लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस वक्त माहौल जितना गंभीर है उसमें इतनी पॉजिटिवली आप पूरे देश के सामने जब आए, और आपने सबसे पहली बार जब पूरे देश को इंस्पायर किया ये कहकर कि आए और उन लोगों को अप्रिशिएट करें, शाम को 5 बजे अपनी बालकनी और दरवाजे पर आकर, मैं आपको बताना चाहूंगा अपने रेडियो के माध्यम से हमने लगातार 24 घंटे इस चीज को लोगों तक पहुंचाया, और लोगों का इतना जबरदस्त जो रिस्पांस था, ऐसा हिंदुस्तान लोगों ने पहली बार देखा, और ये शायद आपको भी पता है, सोशल मीडिया पर लोगों ने आपको भी बताया, तो सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। दूसरी सबसे अहम बात, लॉकडाउन के बाद जब आपने लोगों से अपील करी कि 21 दिन घर न निकले, रेड एफएम ने तुरंत लोगों से कहा 21 दिन स्टे इन, हालांकि ये थोड़ा शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये प्लकार्ड हमने बनाया 21 दिन स्टे इन, प्लीज आप घर पर रहें। इसके बाद मैं एक एक करके आपको
लिस्ट देखा होगा, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी वजह से इस देश के सैकड़ों, हो सकता है कई हजार नौजवान एक ऐसी ठगी के शिकार हुए हैं जिसका दायरा अंतर्राष्ट्रीय है और ये सबकी जानकारी में है। सोशल मीडिया पर सबसे हायर एकलॉन जो है उसमें उपस्थित है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग, ये सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते ही हैं। ये सभी लोग राइट विंग के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका बड़ा नाम है, इनका बड़ा काम है, लेकिन ये सब मिलके हमारे देश के सैकड़ों नौजवानों से खुलेआम हुई रिकॉर्ड पर ठगी और लूट के मामले में अब कुछ नहीं कर रहे और बच्चे बहुत तकलीफ में हैं। पहला नाम मैं ले रहा हूं कपिल मिश्रा, इनको तो आप जानते ही होंगे, दिल्ली दंगे के समय इनकी भूमिका आप तो जानते ही हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी, दिल्ली पुलिस ऐसी बहुत सारी बातें कहती है। खैर, तो कपिल मिश्रा जी को तो आप जानते ही हैं, 1.1 मिलियन इनके फॉलोअर हैं इसी तरह के कामों से। तो 11 लाख फॉलोअरों वाले ट्विटर अकाउंट के कपिल मिश्रा जी इस फ्रॉड नील पटेल, जिसके फ्रॉड करने की सारी विधियां भी मैं आपको बताता हूं। दूसरे हैं तेजिंदर बग्गा, दिल्ली वाले, प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए इनका फोटो है, बहुत पॉपुलर हैं ये भी और बहुत तरह की चीज़ों में पॉपुलर है, मैं उस इनकी अतिरिक्त व्याख्या का क्या करूं। इसके बाद डॉक्टर मोनिका लांघे जम्मू कश्मीर की हैं, इनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं ट्विटर पे। सुनैना होले जो है इनकी, इनका पेज बता रहा है कि ये आरएसएस की स्वयं सेविका है, अपनी जन्मभूमि आरएसएस हेडक्वार्टर लिख रही हैं, कोर कमेटी मेंबर हैं भारत नीति नाम के एक संगठन की, इनको फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस नाम से एक आरएसएस समर्थक प्रसिद्ध अकाउंट फॉलो करता है। इनकी इस कांड में बहुत आगे बढ़ के भूमिका थी, वो अभी जब डिटेल्स आएंगे तो आप सुनेंगे। पहले लिस्ट देख लीजिए हु इज हु। एक निशांत इंडिया करके प्रोफाइल है ट्विटर पे, बहुत प्रसिद्ध है निशांत, ये भी प्रधानमंत्री के साथ चित्र है इनका, नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ मिलाते हुए, डायरेक्ट एक्सेस वाले लोग हैं ये। इन्होंने, इनको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह और तमाम लोग फॉलो करते हैं। पहले इन्होंने भी इस ठग को प्रमोट करने का जुर्म किया, लेकिन बाद में इन्होंने इसका पर्दाफाश करने का भी काम किया अपनी तरह से। मैंने इनसे बात करने की कोशिश की थी, इनको संदेश भेजा था, जिन भी कारणों से इन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। लेकिन आपको तो इस मामले को आगे बढ़ा के प्रधानमंत्री तक पहुंच के इसकी सीबीआई में रजिस्टर होना चाहिए, ईडी में रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर अब तक क्यों नहीं हुआ? एक आप वेबसाइट जानते होंगे, राइट विंग वेबसाइट है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चर्चित है, बहुत बड़ी है, ओप इंडिया। ये ओप इंडिया वेबसाइट जो है, इसके तीन तीन लोग, दो एडिटर्स नूपुर शर्मा और अजीत भारती, और इसके सीईओ राहुल रोशन जो खुद में एक बहुत बड़े हस्ताक्षर है ट्विटर में, इन्फ्लुएंसर है, इन सब लोगों को इस ठग ने 3-3 लाख रुपए के वाउचर दिए थे अपने यहां से प्रोडक्ट खरीदने के, और इनको फोन भी दिए थे आईफोन। इन सब लोगों ने भी इन्फ्लुएंस किया और उसकी वजह से हमारे देश के सैकड़ों नौजवान इस ठगी के शिकार हुए। इन्होंने इसको खुद कबूला है, अभी आप डिटेल्स में देखेंगे, इन्होंने माना कि इन्होंने गलतियां की हैं और इनकी वजह से ये हुआ। तो राहुल रोशन है, ब्लूटिक अकाउंट है, ये इसके सीईओ हैं ओप इंडिया के, बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं। लेकिन इस मामले में सीबीआई मुकदमा दर्ज करके इस बदमाश को पकड़ने की कोशिश करे जो अमेरिका में छुपा हुआ है, नहीं कर रहे। दलीप दत्ता है, ये भी प्रधानमंत्री द्वारा फॉलो किए जाते हैं ट्विटर पर, बहुत फेमस अकाउंट है। 3 अकाउंट है जो अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे या ट्विटर वगैरह पे कभी विजिट करते होंगे तो जरूर जानते होंगे, देसी मोजितो, मोदीफाइड विकास और बीफिटिंग फैक्ट्स। अब इनके पीछे जो भी हो, लेकिन ये अकाउंट्स ऐसे हैं जो अकाउंट्स सिर्फ 24 घंटे राइट विंग का प्रचार ही कर रहे हैं वर्षों से,
ख्यात है, कुख्यात है, जो भी आप इनको शब्द देना चाहें, इन सब ने भी इस इन्फ्लुएंस डाला कि इस ठग की स्कीमों में नौजवान फंसे और लोग फंसे। एक सिनेमा और टेलीविजन के एक्टर हैं मनोज जोशी जी, इनको भी आजकल आप बहुत देखते होंगे ट्विटर पे। इधर बहुत सारे एक्टर वगैरह, निर्देशक निर्माता भी आते हैं सरकार की ओर से बैटिंग करने। मनोज जोशी उनमें से एक हैं, तमाम नीतियों वगैरह की वकालत करते रहते हैं। और मनोज जोशी भी इस ठगी के मामले में उन लोगों में से शामिल हैं जिनको इस ठग ने रिश्वत भी दी थी। किसी को फोन दिया था, किसी को वाउचर दिए थे, किसी को कुछ और दिया था। आरोप तो यहाँ तक है, खुद राइट विंग के एक अकाउंट ने ये आरोप लगाया है कि बहुत से लोगों को हवाला के माध्यम से कैश भी दिया था, वो बाद में। इसके बाद अकरम शाह हैं, ये सूरत में बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वहाँ की जो सूरत गुजरात में आईटी सेल है, कोर कमेटी उसकी, उसके मेंबर हैं। सौम्या दत्ता हैं ब्लूटिक वाले, ब्लूटिक वाले बहुत हैं इसमें। सौम्या दीप्ता ये ब्लूटिक वाले हैं, ये उसके प्रमोटर रहे हैं। वैशाली पोद्दार हैं, ये भी पीयूष गोयल इनको फॉलो करते हैं, दिल्ली बीजेपी की पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिल्ली कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, ये भी इसमें शामिल हैं इसका प्रमोट करने में। ज्योति कपूर दास हैं, ब्लूटिक होल्डर हैं, ये भी इसका प्रमोशन करने वालों में से हैं। राजपूत रमेश हैं, शिवसेना छोड़ के 2019 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, ब्लूटिक होल्डर हैं, ये भी इसके प्रचारक हैं। और आरजे रौनक साहब का अब मैं दूसरा रूप दिखाता हूं। आरजे रौनक साहब ने इसका प्रचार करने के लिए क्या कहा था, वो उनको खुद ही वीडियो पर सुनिए। वेल, भारत से याद आया कि रिसेंटली मुझे सोशल मीडिया के थ्रू स्क्वीक्स के बारे में पता चला, जो जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं दो नई चीजें। एक तो ट्विटर की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा स्क्वीक्स, और दूसरा अगले ही हफ्ते लॉन्च होने वाला है वीडियो स्क्वीक्स, जिसमें आप यूट्यूब की तरह वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये टोटल मेड इन इंडिया है। इनके अलावा दो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। एक प्रणव महाजन है, जो कहते हैं वो तीन पीढ़ियों से पुलिस के अधिकारी हैं, अभी यंग है बिल्कुल, लेकिन सोशल मीडिया पे विपक्षी दलों को, बहुत से ऐसे पत्रकारों को जो सरकार से सवाल करते हैं, उनको समझाते बुझाते देखे जा सकते हैं। दूसरे इनसे सीनियर हैं, वो कश्मीर में तैनात हैं, इम्तियाज़ हुसैन साहब, एसएसपी, शायद इससे भी ऊपर अब हो गए हों, एसएसपी थे पहले, आईपीएस ऑफिसर हैं। तो चूंकि वो कश्मीर में तैनात हैं और सरकार की ओर से हैं, ऐसी स्थिति है कि उनकी जो भी वजह हो, तो उनकी भूमिका आप कह सकते हैं कि वो लोग उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं या उनकी उनको कोट करते हैं या उनको आगे बढ़ाते हैं, जो राइट विंग का प्रचार करते रहते हैं, तो वो भी इन्हीं लोगों को फॉलो वगैरह करते हैं और इसमें जुड़े हुए हैं। मैं भी वैसे उनका फॉलो करता हूँ, उनसे सूचनाएँ मिलती हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस ठग द्वारा की गई ठगी के शुरुआत में लोगों को इन्फ्लुएंस करने के काम में उनके अकाउंट का भी इस्तेमाल हुआ है। और ये जो प्रणव महाजन हैं, ये लिखते हैं अपने प्रोफाइल पर, जो ट्विटर पर इनका है, कि साइबर एक्सपर्ट हैं और ये साइबर के जरिए किए गए एक ठगी का मामला है। और ये लोग अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? मैं इस स्टोरी पे, दीपिका नारायण भारद्वाज नाम का एक अकाउंट है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे सामाजिक मसलों पे लिखती पढ़ती रहती हैं, उनका जो आप प्रोफाइल देख रहे होंगे अब स्क्रीन पर, तो उसमें वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अपने को बता रही हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, और बहुत सारे सोशल मामलों पे मैं उनको लिखता पढ़ता देखता रहा हूँ, फॉलो करता हूँ। तो उनके ही पोस्ट मैंने देखे अभी कुछ दिन पहले, तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो थोड़े उसके मैं डिटेल्स में गया तो बहुत सारा ये सब डिटेल निकला। तो सबसे पहले तो मैंने उन्हीं को संदेश किया, वो बातचीत के लिए तैयार हो गई थी, तो उनसे मैंने बात की है। तो पहले तो उनकी बात से इस मामले को थोड़ा सा उनके जरिए समझिए, फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। एक ये भी बंदा आया जो कि वही है ना, ब्लू टिक वेरीफाइड बंदा, जिसका नाम था नील पटेल, ठीक है। अब इसने धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। तो पहले मैं डिटेल में बाद में जाऊंगी, आपको संक्षिप्त की समरी दे दूंगी जी, कि लोग इसके झांसे में क्यों आए। तो इसमें ब्लू टिक था,
वो बाद में पता चला कि ये ब्लूटिक इसने किसी और पता नहीं कोई सिंगर था या पता नहीं कोई तो था जिस, इसीलिए इसका जो हैंडल था वो नील पटेल नहीं था, N2 1972 था। ठीक है, तो वो किसी और का हैंडल था, लेकिन इसने अब कैसे वो फर्जीवाड़ा किया ट्विटर में, इसने ये ब्लूटिक हैंडल खरीदा और ये धीरे धीरे अपनी पैंट बनाने लग गया। ये अपने आप को सीईओ बोलता है किसी वॉल्व LLC का न्यूयॉर्क में, और कहता है कि मैं बहुत बड़ा वहां पे एंटरप्रेन्योर हूँ। एसेंशियली इसका काम जो है शीतल जी वो ट्रेडिंग का है, लोगों को बेवकूफ बनाता है कि एक्स अमाउंट लगाओ मैं आपको 3x 10x करके दूंगा। और ये जो काम है मैं अभी जैसे इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बंदे ने ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोगों को जरा भी जब ये लगता है कि उनके उनका मुनाफा जो है बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लोग बेवकूफ बनते हैं। लेकिन इस बंदे ने जो पूरी की पूरी रचना रची वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पर यूं है कि अगर कोई इंसान वैसे ही आपको प्रॉमिस कर दे कि मैं आपको इतना पैसा बढ़ा दूंगा, हम भी सुनते हैं कि कोई आके बोले कि आप मुझे गोल्ड दे दो मैं इतना सारा आपको वापस दूंगा, तो हम लोग थोड़े सावधान हो जाते हैं कि कौन दे रहा है। इनको कहते हैं एजुकेटेड स्कैमर्स। ठीक है, तो इसने क्या है, एक प्रॉपर वेबसाइट थी, लोगों को इसने इसकी इसने स्क्वीक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड करके उस टाइम पे जो मेक इन इंडिया की वेव थी उसको राइड किया कि मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, आप आइए उस पर अपना प्रोफाइल बनाइए। फिर इसने ऐसी कोई ऐप वगैरह लॉन्च करी नारद पे करके, और क्योंकि ये अब जो हमारे कॉमन एप्स हैं गूगल पे गूगल प्ले वगैरह पे उस पर अवेलेबल थी, तो लोग बिल्स वगैरह भर, ये बेसिकली कस्टमर्स जुटा रहा था, एक जगह पे कस्टमर्स जुटा रहा था बेवकूफ बनाने के लिए, और दूसरी जगह पे नेटवर्क बना रहा था। और वो नेटवर्क कैसे बना रहा था, बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करके कुछ एक दो जगह पे डोनेशन देते, जैसे मनीष मुंद्रा का कोई एफर्ट था उसमें इसने 1,00,000 रुपए दे दिए। आपने ट्विटर पे देखा होगा इस टाइम पे भी राइट विंग और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो साफ तौर पे दिखते हैं, उनका काम दिखाई देता है, उनके ओपिनियंस बिल्कुल अपफ्रंट हैं। तो कुछ कुछ लोग जो राइट विंग सर्किट्स में फेमस हैं, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे ऑफ इंडिया जो एक वेबसाइट है उन्होंने एक आर्टिकल भी किया था इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करते हुए, हालांकि बाद में इनके पक्ष में। जी 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 जी, ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे एक आर्टिकल किया था। अच्छा, तो लेकिन उन्होंने बाद में बिल्कुल जो फैक्ट्स थे और जब लोगों को समझ में आने लगा कि ये बिल्कुल फ्रॉड है तो उन लोगों ने उस चीज को और नूपुर जो है उन्होंने बकायदा बहुत अच्छी तरह से इस इंसान के खिलाफ लिखा कि इस तरह से इन्होंने, तो इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था कि इन्होंने एक तो वेबसाइट बना दी वो स्क्वीक्स मीडिया, जिसको इन्होंने जैसे कू है ना, जैसे ट्विटर पे लोग तो हम कू पे जाएंगे, तो लोगों ने इसने लोगों को मेक इन इंडिया का वो दिखा के अपने स्क्वीक्स मीडिया को प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करवाया, जितनी मेरी समझ है इस पूरे के पूरे एपिसोड की। और फिर उन लोगों को अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इसने खींचने की कोशिश की। अब मैं क्यों कह रही हूँ आरडब्ल्यू मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो मैंने नाम लिए तजिंदर बद्रा है, वैशाली है, और भी है कुछ बड़े बड़े हैंडल्स, उन लोगों ने प्रणव महाजन एक कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, उन्होंने इनको ऐसे प्रमोट नहीं किया, लेकिन एक इंटरेक्शन होता है अगर दो लोगों के बीच तो भी आपको लग जाता है ना कि अगर एक इतना बड़ा इंसान किसी इंसान से इंटरेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ जान पहचान होगी। इसने एक आईफोन स्कीम लॉन्च कर, अच्छा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उसने 11,000 कुछ शायद लिए थे लोगों से, और ये स्क्वीक्स मीडिया पे ही इसने एक वो निकाली स्कीम निकाली कि आप, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं विक्टिम नहीं हूँ, तो इसने कुछ अमाउंट बोला कि आप आईफोन आपको मिलेगा और डिस्काउंटेड प्राइस में, बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, क्योंकि इसका कहना था कि ये जो कंपनीज हैं मार्केटिंग में इतना ज्यादा पैसा लगाती है लेकिन जब इनको मार्केटिंग ना करनी पड़े तो इस तरह से ब्रांड टाइप्स कर लेती है कि 65,000-70,000 का आईफोन हम आपको ऐसे बिल्कुल इतने दामों में दे देंगे। कितना दाम इन्होंने कहा कि इतने में दे देंगे, शायद 11,000 या 13,000। ये बिगनिंग, और इस वजह से क्या हुआ फिर एक इनके साथ इनकी
थोड़ा इंडियन ऑपरेशंस की कह लो पार्टनर बनी, सुनैना हॉले है, इनफैक्ट वो ही बाद में जाके पहली इंसान बनी जिसने इसको एक्सपोज किया, क्योंकि जब अच्छा। सुनैना को लगा कि भैया यहाँ पे तो कुछ बहुत गोरख गंदा हो रहा है, तो उन्होंने अपना हाथ पीछे उठा लिया और उन्होंने बोला कि यहाँ पे मुझे कुछ बहुत गलत होता हुआ दिख रहा है। तो क्या हुआ, ये आईफोन को खरीदने वाले, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन कुछ एक 100, 200, 300, 400, 500, 1000 पता नहीं कितने लोग थे, तो उन लोगों ने अपना पैसा इसको डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद 3-4 महीने जहां पे ये कहा गया था कि आपको इतने टाइम में मिल जाएगा, उसके बहुत ज्यादा महीने हो गए, ना तो आईफोन आया और पैसे तो चले ही गए थे। तो लोगों ने, कुछ लोगों ने ट्विटर पे बोलना शुरू किया कि भैया ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों को शायद इसने आईफोन भेज दिया था और मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं भेजा। अब ये आवाजें उठने लगी, तो अब यही है ना कि अगर मान लो आप 400 लोगों ने ऑर्डर किया, उनमें से कुछ 5-6 भी अगर बोल दे ट्विटर पे, वही है ना, बहुत सारे लोग इनके चमचे भी तो थे जो इनको प्रमोट करने के लिए बैठे। जी जी। तो जो इन लोगों ने, जो इन्होंने बकायदा, मैं उस आरजे का नाम नहीं लूंगी क्योंकि किसी का नाम लेके फिर किसी को स्पेसिफिक टारगेटिंग हो जाती है, लेकिन मैंने खुद वो ईमेल देखी है, एक बहुत ही बड़े रेडियो नेटवर्क के साथ ईमेल जिसमें इनकी स्वीट्स मीडिया को प्रमोट करने के लिए उनका प्लान था 1 महीने में 4 वीडियोस बनाने का और इनकी साथ एसोसिएशन या इनको कस्टमर्स दिलवाने के लिए 24 लाख का उन लोगों ने एक प्रॉपर, एक बहुत ही बड़े आरजे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैंने उनकी तरफ से देखा ही नहीं, मैंने उनका वीडियो देखा है, कुछ लोगों ने लगा रखा है, मेरे पास है रिकॉर्ड। जी अच्छा अच्छा निशान करके हैं और एक और मैं उनका नाम भूल रही हूँ, दो लोग थे, उन्होंने बकायदा एक प्रॉपर वीडियो बनाई कि किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, किस तरह से वेबसाइट पे लारे लपे देते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद इसका सेम मॉडल्स ऑपरेंडी सामान नहीं आएगा। फिर लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च करना भी शुरू कर दिया तो पता चला कि एक change.org पिटिशन थी, बट ये बंदा जबान का बहुत ऑब्वियसली सारे फ्रॉडस्टर्स स्कैमस्टर्स चाहे वो माल्या हो, नीरव मोदी हो, जबान के बहुत स्मार्ट होते हैं, तो इन्होंने भी लोगों को फिर भी कन्विंस करके रखा कि नहीं मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, सक्सेसफुल लोगों से लोग जलते हैं, तो मेरी लोग टारगेटिंग कर रहे हैं और मुझे बदनाम किया जा रहा है। और इन्होंने तब तक एक सबसे ज्यादा जो बड़ा, अब मैं कहती हूँ, इन्होंने जो गेम खेला वो था ई ज्ञान का पोर्टल। इन्होंने एक ई ज्ञान का पोर्टल बनाया। अब जैसा मैंने पहले बोला था, इनका मेन जो मोडस ऑपरेंडी है लोगों का वो है ये ट्रेडिंग में, तो आज के टाइम पे ट्रेडिंग का सबसे, क्योंकि ये अमेरिका में बैठे हैं, आज के टाइम पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग में अगर आपको इंडल्ज करना है तो क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा इजी मेथड है। ठीक। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि उस इंसान को ये पता हो कि इंडिया के शेयर एंड स्टॉक्स में कौन सा ज्यादा बढ़ रहा है कौन सा कम बढ़ रहा है, सो ट्रेडिंग एडवाइस वैसी कोई जरूरत नहीं है, वो आपको लारे लप्पे देंगे, ये कॉइन में कर लो 10x मिल जाएगा, वो कॉइन में कर लो 20x मिल जाएगा, मैंने तो 10 लाख 2 महीने में कमा लिया। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा और उन लोगों ने, अब वही है ना कि पहले बकरे तो काटने ही पड़ते हैं तभी बाकी बकरे आते हैं। मेरे खुद के दोस्त जिन्होंने इनके उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांजैक्ट किया था, उनके भी 8 लाख रुपए खाए उन्होंने। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके पीछे पड़ के बहुत ज्यादा उसका एक छोटा सा उसको अमाउंट मिल गया था इसके टोटल इन्वेस्टमेंट का, लेकिन 8 लाख अभी भी पेंडिंग है। जो विक्टिम्स हैं वो बता रहे हैं कि कहीं इसका जो पूरा का पूरा आईफोन स्कैम और ये सब जो सब कुछ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स लोग दे रहे हैं, कोई कह रहा है 50 करोड़ मिनिमम है, और अगर 50 करोड़ मिनिमम ई ज्ञान से है, क्योंकि मैं आपको रीजन बताती हूँ, एक जनाब है उनका 40 लाख खा चुका है बंदा। अब 40 लाख कैसे खाया, क्योंकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड किया, पहले वो ई ज्ञान के पार्ट थे, फिर ई ज्ञान से उन्होंने उसको इथेरियम और दूसरे चैनल्स में डायरेक्ट करना शुरू किया, जब उनको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अमाउंट एम्पलीफाई होके कोर्स होना दिखना शुरू हो गया, मेरे दोस्त ने भी इसी वजह से अपने, मेरे दोस्त ने भी दूसरे लोगों के इन्वेस्ट कराए थे पैसे और वो अब उनको इंटरेस्ट दे रहा है, तो जबकि उसका लॉस हो गया, तो लोगों ने क्या किया,
लोग बेवकूफ बनते गए कि भैया ये तो मतलब कितना क्या करेंसी है क्रिप्टो, वैसे भी इतना ज्यादा मार्केट में छाया हुआ है लोगों को समझ में, मतलब बिटकॉइन कुछ हजारों का हमें मिलता था, वो 16-16 लाख का मिल रहा है, तो लोगों को मतलब लोग पागल से हो गए। तो एक इंसान का मैं बता रही हूँ 40 लाख का लॉस है, तो एक दूसरी लड़की थी उसने मुझे बताया उसका 8 लाख, मतलब फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे हैं इसमें, तो सिर्फ ये लोग नहीं है जो ई ज्ञान के लोग हैं, ई ज्ञान के लोगों ने भी बाकियों को बताया कि भैया इतनी जल्दी पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है तो तुम भी इन्वेस्ट कर दो, तो उस तरह से चैनल एक नेटवर्क बनता गया। तो ये ई ज्ञान का बोल रहे हैं कि 50 करोड़ के लगभग फ्रॉड हुआ है। और एक और चीज जो मैं बताना भूल गई, ई ज्ञान में इसने क्या बोला था कि 45,002 मैं आपको टैक्स वगैरह दूंगा और आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं ही आपको एम्प्लॉय करूंगा, जिसमें आपकी पर मंथ सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए। और वो इंसान पिछले 3 महीने से इन लोगों से काम करवा भी रहा था, लेकिन किसी भी इंसान को उसने एक देने की सैलरी नहीं दी है। तो मेरे दोस्त से मैंने उसका नंबर लिया और मैंने उसको मैसेज डाला कि मतलब बहुत ही वाहियात बात है, क्योंकि मेरे दोस्त ने दूसरे लोगों से दूसरे लोगों के पैसे भी इन्वेस्ट किए थे, तो उसको तो लॉस हो ही रहा था क्योंकि वो उनको इंटरेस्ट दे रहा था, लेकिन इसका पैसा उससे नहीं आ रहा। तो उसने मेरे ख्याल से मेरे को भी कम से कम शायद 2-3 महीने टांगे रखा है कि मैं आपके दोस्त का पैसा दे दूंगा, आपके दोस्त का पैसा दे दूंगा। इवेंचुअली उसने स्टॉप कर दिया रिस्पॉन्ड करना, बट इनके विक्टिम्स जो है अक्रॉस द वर्ल्ड है, ये इंसान जब इसको इससे पैसे कोई मांगने लग जाता है, तो वो ऑडियोज भी है हमारे पास जहाँ पे इसने लोगों को डेथ थ्रेट्स भी दिए कि डार्क वेब में 2 मिनट लगेंगे तेरे को मरवाने में। ओह, ये रिकॉर्डिंग्स हैं लोगों के पास, ठीक। और मतलब एब्सोल्यूट क्रिमिनल माइंडेड इंसान, ठीक। और इतने सारे लोगों के पास जब लोगों ने अपने पैसे मांगना शुरू किया और अगर किसी ने इसको एक्सपोज कर दिया बस। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट्स भी हैं, और खुले में बोलकर कि इतने सालों से इतने सारे लोगों ने कोशिश कर ली, मेरा कुछ नहीं उखाड़ता। पहले ललन टॉप में 27 फरवरी 2021 को रजत शर्मा, रजत नाम के पत्रकार ने, बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी है, ये रिपोर्ट कह रही है आईफोन स्कैम। इस आदमी ने क्या किया कि आईफोन प्रो जो उस समय करीब करीब 1,40,000 का था, उसको 67-68 हज़ार में ऑफर कर दिया। अब आप समझ ही सकते हैं कि देश में, और कहा कि साहब वो जो प्रचार वगैरह पे पैसा खर्च होता है मैं वो नहीं करता, मैं तो देश की सेवा करना चाहता हूँ, और बस देशभक्ति बेची, देशभक्ति देशभक्ति। और इसमें इसी डिटेल्स में इस स्टोरी के कि 8,000 से ज़्यादा लोगों को खुद उसने कबूल रखा है। वो उसमें दूसरे ब्रांड के भी फोन्स की बात कर रहा था, लैपटॉप वगैरह की भी बात कर रहा था, सबको लगभग आधे दाम पे ऑफर कर रहा था, और ये तमाम लोगों ने 8-9 हज़ार लोगों ने उसके अकाउंट्स में पैसे डाल दिए। तो करीब 60-70 करोड़ का तो पहला झटका इसने जो आईफोन स्कैम किया। बहुत सारे स्कैम्स हैं, उसकी पूरी लिस्ट हम लगा दे रहे हैं जो हमें इन बच्चों ने सब कंपाइल करके भेजी है, किन किन वेबसाइट्स के जरिए वो करता है, ये आपके भी भविष्य में काम आएगी, ध्यान रखिएगा, और क्या क्या स्कैम किए हैं वो सारी लिस्ट हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसने इस तरह से उल्लू बनाया कि सबको आधे दाम पे आईफोन देने के लिए और एक स्कीम निकाली, और करीब 8,000 लोगों ने उसमें पैसा डाल दिया। 1-2 महीने हुए, हल्ला गुल्ला हुआ, और इसको इसकी गारंटी किसने किसने ली, ये सब बड़े बड़े राइट विंगर थे। ये वही जो सुनैना लड़की है उसने सबसे ज़्यादा गारंटी ली, एक आध और हैं जिन्होंने कहा कि क्या नाम, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ऐसे तमाम लोग हैं इसमें। एक आप जानते हैं, एक हमारे अल्ट न्यूज नाम की संस्था है, उसमें जो को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, जो जू बियर नाम से, जू और अंडरस्कोर बियर करके उनका अकाउंट है ट्विटर पे, वो बहुत ये लोग पर्दाफाश करते रहते हैं राइट विंग के झूठ का बहुत, उन्होंने फरवरी में इस पर उंगली लगा दी थी। उनकी बहुत सारे ट्वीट्स में देख रहा हूँ कि फरवरी में उन्होंने इस समझ लिया था कि कोई स्कैम हो रहा है और इसमें लोग ठगे जाने वाले हैं, लेकिन तब तक उसने क्या किया कि ये जो 8-9 हज़ार लोगों से पैसा लिया, इसका जब हल्ला मचने लगा तो इसमें से जो प्रमुख प्रमुख कुछ लोग थे 100-200 लोगों को ये फ़ोन इसने बांट दिया, और ओप इंडिया वालों को बांट दिया, उनको 3-3 लाख के वाउचर भी दे दिए। तो ओप इंडिया वाले इसकी वकालत करने लगे। इस चक्कर में बहुत सारे नौजवान जो इसका दूसरा फ्रॉड आया उसमें फंस गए,
वहां इसने बेरोजगारों को चूना लगाने के लिए स्कीम पेश कर दी थी। वो स्कीम ये थी कि उनको एक बताया गया कि ये एक हम ई ज्ञान नाम से पोर्टल है हमारा, और इस पर आप आइए और इस पर आपको हम शिक्षा भी देंगे और भविष्य में रोजगार भी देंगे, और हम आपको आज की मार्केट के हिसाब से आपको शिक्षित करेंगे कि जिससे आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पैसा कैसे बढ़ा पाएं, और सबको लंबी लंबी बातें 5 गुना 6 गुना आपको बढ़ के मिलेगा। तो उसमें करीब 44,000 रुपये हर युवा से ये ले रहा था। करीब जैसे रिकॉर्ड पर है करीब 700-800, कहीं जगह 1,000 भी है, इतने युवा इस जहाँ से फंस गए। अब इनसे इसने करीब 45-50 हज़ार ले लिया, 45,000 के आसपास रुपया, और इनको फंसा लिया। और जो इसमें से एक दो महीने में कुछ बेचैन होने लगते थे, क्योंकि फरवरी से इसके बारे में ये सब आने लगा, इसी बीच संघ के भी बहुत सारे लोग जो शुरू में इसके इन्फ्लुएंसर थे, वो भी जब टेलीफोन वाला कांड हुआ और सबको फोन्स वगैरह नहीं मिले तो वो बेचैन होना शुरू हुए। और उनकी बेचैनी का सबब यह है कि सुनैना होले तो डिफेंड कर रही है, लेकिन दूसरे लोग एक वीडियो लेके इसके बारे में खोज करके आए। एक उन्होंने पाया कि जो नील नाम का ये आदमी, नील पटेल है, ये जो ट्विटर अकाउंट यूज़ करता है जिसमें ब्लू टिक लगी हुई है, वो एक फ्रॉड के जरिए हासिल की गई इस ललन टॉप वाली स्टोरी में, और खासकर ये जू बियर के ट्वीट्स में उसका पूरा पर्दाफाश है कि वो अकाउंट ओरिजिनली किसका था, एक बैंड का था। उस बैंड वाले को किसी तरह से धोखा दे के इसने ले लिया और अब उसको अपने नाम कर लिया। तो बहुत सारे लोग इसका ब्लू टिक अकाउंट होने की वजह से प्रभावित हुए। तो इसमें ट्विटर को भी में शिकायत जानी चाहिए कि इस तरह के जब फ्रॉड होते रहते हैं तो उनका जो भी तंत्र है वो नहीं देख पाता, और उससे भी लोगों को शिकार होने में एक रास्ता मिलता है। तो सुनैना होले वगैरह की डिफेंस के बावजूद एक निशांत नाम के जो अकाउंट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये लोग सबसे पहले इसके विरोध में आए, राइट विंग में से ही। इन्होंने एक वीडियो बना के डाला। अब उन्होंने उसका कॉपीराइट क्लियर नहीं कर रखा, नहीं तो मैं आपको उसको दिखा देता, पता नहीं, क्योंकि उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। मैं कोशिश कर रहा था कि वो जवाब दें, मैंने उनको संदेश भेजा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके जरिए उन्होंने इसका पर्दाफाश किया। उन्होंने ये सारी बातें कही, टेलीफोन में भी बताया कि इसने इतने लोगों को डिलीवरी नहीं दी है, और बच्चों के बारे में भी बताया कि इस तरह से ठगी कर रहा है। पहले ये कुछ और पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह में ठगी कर चुका है, उसके बारे में भी बताया, और इस तरह से इसके खिलाफ एक बात होना शुरू हो गई। एक दो और भी अकाउंट थे, एक कर्मा करके अकाउंट है, कर्मा फॉर कर्मा, इसने भी इसको बताया कि ये ऐसे गड़बड़ कर रहा है। तो इसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हुई, और नतीजा ये हुआ कि सुनैना होले, जो इसका लगातार समर्थन कर रही थी, इसके यहाँ जॉब कर रही थी एक्चुअली, तो वो फिर समझ में उनको भी आ गया। तो 2-3 महीने बाद फरवरी में लास्ट में उनको भी समझ में आ गया, और उन्होंने लिखा, ये उनका एक ट्वीट है लास्ट में, माय बैड आई ट्रस्टेड स्कैमर, फेक पासपोर्ट्स, फेक जॉब ऑफर्स, फेक राइट विंग, यू शेमलेस पर्सन एक्सेस्ड फोटो गैलरी ऑफ पीपुल एंड सेंट देम देयर प्राइवेट पिक्चर्स टू शट देयर माउथ्स। देखिए ये होता है जब आप किसी इस तरह के ठग के हाथ फंसते हैं, या किसी भी ऐप के हाथ, ये तो आपकी मजबूरी है, तो वो आपकी सारी प्रोफाइल खंगाल लेता है और आपकी निजी निजता जो है आपकी उसमें, उससे आपको ब्लैकमेल करता है। तो ये एक, ये सबके साथ है, ये तो ठग के बारे में लोग बता रहे हैं, लेकिन जो अनजान हजारों लोगों ने आपसे ले लिया होगा आपके फ़ोन में ऐप के नाम पे जो भी आए हैं। इसके बाद इसने इनसे एक नया चारा डाल दिया, और ये जो नई किस्म की करेंसी बिटकॉइन है, इसने उसमें इन लोगों को उलझाया। चूंकि ये बेचारे बेरोजगार थे या छोटे मोटे रोजगार कर रहे थे, छोटा मोटा काम कर रहे होंगे, उसमें से पैसे निकाल के इसमें फंस गए थे, इसने इनको वो पैसा देने की जगह एक नए पैसे में उलझा दिया, और इनको कहा कि शेयर मार्केट में आपको देखो इतना बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, जैसे चिट फंड कंपनियां करती हैं। जब उनकी कोई एक स्कीम का पैसा पूरा होता है और लेनदार आते हैं उनको पैसा देना होता है, तो वो दूसरी उससे बड़ी स्कीम बता देती हैं। एक स्कीम में आपको 4,000 मिलने वाले होते हैं, वो आपको 40,000 वाली दूसरी स्कीम बता के ललचवा देंगे, और वो 4,000 भी नहीं देंगे, उस 4,000 को उसमें कागज पे एंगेज कर देंगे, एक कागज दे देंगे आपको। तो चिटफंड कंपनी का ये होता है कि
एक छोटा घेरा, फिर उससे बड़ा घेरा, फिर उससे बड़ा घेरा, और आखिर में भाग जाओ। वही इसने किया। पहले टेलीफोन में 50-60 करोड़ उठा लिए, फिर इन बच्चों को फंसाया, इसमें कई करोड़ फंसाए, फिर उनसे और लूटने के लिए, उन बेचारों को तबाह करने के लिए इसने ये बिटकॉइन वाला फ्रॉड किया कि शेयर मार्केट में आपको और बिटकॉइन में हम इससे ज़्यादा इतना पैसा, आप 8 गुना 10 गुना, तो मुँह से होता है और कागज़ से होता है, झूठ बोल के लंबा लंबा, इसमें लोग ज़्यादा पैसा फंसा गए। मेरे पास भी जो बोलने बच्चे आए थे उनका इंटरव्यू अब मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने क्या कहा, वो कैसे ठगे गए, उनसे ही सुनिए। नमस्ते सर, मैं रुपेश राय हूँ जी। मैं एक्चुअली महाराष्ट्र में रहता हूँ फिलहाल। तो जो ये हितेश पटेल और नील पटेल है, उसकी मतलब जो हम संपर्क में आए वो था ट्विटर, एक माध्यम था वो। एक्चुअली हम उसके मतलब बहकावे में क्यों आ गए, क्योंकि उसके पास एक ब्लू टिक था, और ब्लू टिक ट्विटर माने मतलब कोई बड़ा कुछ बोल सकते हैं, जो ट्विटर एक ब्लूटिक होता है, काम कर रहा है वो ऐसे दिखाते था कि उसने एक फिक्स माध्यम निकाला, स्पिक्स, फेसबुक टाइप का एक पोर्टल है जो चैटिंग के और मतलब फ्रेंड्स को जोड़ने काम आता है। तो उसने वो लॉन्च किया वहां पे सबको, मतलब उसने उसको राइट विंग से लेके मतलब सबसे उसको बढ़ावा दिया कि स्पिक ज्वाइन करे। तो हमको लगा कि एज ए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो हमको ज्वाइन करना चाहिए। उस माध्यम से उसने सबसे कांटेक्ट लिया, सबके अंदर आया, फिर वो फोटो डालने लगा राइट विंग के साथ, या फिर मतलब ट्विटर के जो भी बड़े हस्तियां उनको बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे नेता भी थे जिनके साथ उन्हें वो चैट की, मतलब वीडियोस कॉल किए। वहां से फिर वो स्पीक्स के माध्यम से वो नारद पे लेके आया। नारद पे एक ऐप था जहाँ पे वो मतलब पेमेंट प्रोवाइड करता था, वहां पे उसने स्कीम निकाली कि आप कुछ पैसे भरिए, वो पैसे भरेंगे तो आप इतना पैसा मिलेगा। जैसे एग्जांपल दूं, 5000 जैसे मैंने प्लान लिया, ठीक, 5000 उसने प्रॉमिस किया था कि 25000 आपको मिलेगा एक साल के लिए, उसमें से हमने वो लिया। फिर उसने अचानक से कोर्स लेके आया जो जिसमें वो फॉरेक्स का या फिर ट्रेडिंग बोल सकते हैं आप, वो ट्रेडिंग उसमें सिखाएगा। तो उसमें उसने हमको बोला कि 45000 फीस है, वो फीस नहीं बल्कि एक लाइसेंस है, वो लाइसेंस के पैसे हैं जो वो हमको देगा लाइसेंस, उससे हम एक ट्रेडर बन सकते हैं। वो जो लाइसेंस होगा वो कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे काम आएगा। उसमें कितने पैसे लिए? आज तक हमको मिला नहीं। उसमें कितने पैसे लिए? 45000। अच्छा, 45000 ठीक। कुल आपने कितना अमाउंट इन्वेस्टेड, कुल आपने इसके एसोसिएशन में कितना पैसा लगाया अब तक? सब कुछ मिला के 135000 थे, उसमें से मुझे 28000 मतलब मिले। मतलब नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु कुमार है जी, और ये मैं SSC CGL की तैयारी करता था जी। मेरे पढ़ाई में अच्छा था मैं, और ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, अपना खर्चा निकालता था, सारा कुछ होता था जी। कोविड का समय था, एक अपॉर्चुनिटी दिखी ट्विटर पे, और जितने भी राइट विंग है हम राइट विंग को फॉलो करते हैं, ठीक, हम मोदी जी के सपोर्टर हैं, ठीक, तो राइट विंग वाले इनको काफी सपोर्ट करते थे जी। तो इनके राइट विंग के माध्यम से हम इनसे जुड़े, फॉलो करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद इन्होंने शुरू में आईफोन वाला ऑफर लेके आए थे ये, जिसपे आधे रेट में ये आईफोन दिया करते थे, ठीक। उसके बाद इन्होंने ये जॉब वाला कोर्स किया लॉन्च 45000 में, 44000 आईफोन वाली, आईफोन वाली स्कीम में आपने पैसा लगाया था? नहीं नहीं सर, उस टाइम पैसे का वो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, ठीक ठीक। उसके बाद इन्होंने कोर्स लॉन्च किया, कोर्स में था 2 साल की गारंटेड जॉब, जिसमें कि 50000 स्टार्टिंग सैलरी टू 1 लाख रुपीज, ठीक। तो 2 साल तक नौकरी तो काफी ल्यूक्रेटिव लगा। मैंने SSC की तैयारी छोड़ दी और सोच लिया कि करियर बनाना है तो इसी में बनाना है, ठीक। उसके बाद स्टार्टिंग हुई, इन्होंने शुरू में ही क्रिप्टो लॉन्च कर दिया कि इथेरियम ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं मैं इस रेट से यहां तक जाएगा, ठीक। तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, हमने भी इधर उधर रिश्तेदारों से पैसे मांग के लगाए। 2 इथेरियम मैंने लिया, लगभग सर 1,70,000 रुपए लगाए थे मैंने जी, और 35,000 रुपए उसमें लगभग वापिस आया जी। जी सर, जी सर, मेरा नाम आशीष राज है।
और मैं वैसे रहने वाला हूँ पटना बिहार का, ठीक है जी। तो मैं नील पटेल जो है ये उर्फ हितेश पटेल, मैं इसके कनेक्शन में मतलब मैं इनको तब से जानने लगा तब नवंबर के आसपास 2020 के आसपास ये कोर्स का एक प्लान लेकर गए थे। ऐसे मैं इनको एक साल पहले से फॉलो कर रहा था, मतलब 19 से मैं इनको फॉलो कर रहा था। अच्छा। तो उस टाइम मैंने देखा कि इनके पास एक ब्लू टिक है और काफी इन्फ्लुएंशियल लोग और बड़े बड़े लोग इनको फॉलो करते हैं और उनकी मतलब कन्वर्सेशंस भी मैं देखा करता था सोशल मीडिया पे। तो मुझे लगा कि अच्छे लोग अच्छे व्यक्ति हैं और पैसे वाले हैं, क्योंकि ये काफी अपना ट्रेडिंग का हिस्ट्री और ब्यौरा वगैरह वहाँ पे पोस्ट किया करते थे हमेशा। तो उसके बाद फिर नवंबर के एंड में इन्होंने एक ईज्ञान कोर्स के नाम से एक स्कीम लेकर के आए थे जी। तो मैंने उसको मतलब उस समय बहुत सारे राइट विंग के लोगों ने और बहुत सारे नेशनलिस्ट और बहुत सारे लोगों ने प्रमोट किया, इनको इंडोर्स किया। तो मुझे लगा अच्छा चीज है, इतना मतलब कोविड के टाइम में हमारे लिए कुछ लेकर के आ रहा है और शायद हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो फिर मैंने मतलब जब ये नवंबर एंड में ये स्कीम लेकर के आए तो मैंने सोचा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मैं भी 2019 का पास आउट हूँ, मैंने बीटेक करी है, तो मैंने सोचा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उसमें क्या था कि 45,000 इन्होंने बताया कि ये कोर्स फी और लाइसेंस फी आपका रहेगा और 2 साल तक की जॉब गारंटी ये हमें उस समय दे रहे थे कि 3 महीने तक आपका 50,000 सैलरी रहेगा, उसके बाद 1,00,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगा ऐसा कुछ। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर 3 महीने तक हमारी ट्रेनिंग चलनी थी, उन्होंने ऐसा बताया। तो हमारी जनवरी के फर्स्ट वीक से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई जो कि मार्च तक चली। उसके बाद फरवरी में ट्रेनिंग के दौरान ही इन्होंने फरवरी के स्टार्टिंग में नारद पे का एक प्लान लेकर के आई है हमारे लिए। ये उससे पहले भी नारद पे का प्लान ला चुके थे कई लोगों के लिए, लेकिन मैं इनके साथ जब बाद में नवंबर के एंड में अटैच हुआ तो हमारे लिए वो एक नई चीज थी। तो नारद पे का ऑफर मैंने लिया, उसमें ये था कि वो बिल पेमेंट्स वगैरह के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसमें 10,000-30,000 का प्लान लॉन्च किया। मैंने 30,000 के 2 प्लान कर दिए 60,000 लगा करके इन्वेस्टमेंट दे करके। उसमें ये था कि ये हर महीने आपको 5,000 रुपए इन्होंने बोला कि आपके वॉलेट में मिलेंगे और उसके थ्रू आप बिल पेमेंट्स वगैरह आप अपना कर सकते हो, 3 साल तक के लिए आपको मिलेंगे। तो मैंने ये ले लिया प्लान। उसके बाद फिर मार्च में इन्होंने द बुलरन नाम से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इन्होंने बोला कि ये अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपने 3 महीने तक ट्रेनिंग में आपको दे रहा हूँ, ये आपका यहीं पे यूज हो जाएगा, आप यहीं पे ट्रेडिंग करो, यहीं पे कमाओ और विड्रॉ भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, विड्रॉ आराम से कर सकते हो आप यहाँ से। तो हमने वहां भी फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। इनमें कुल पैसा लगाया था, जो इन्वेस्टमेंट है मेरी वो 1,12,000 के समथिंग है। अच्छा। और अब तक वापस कुछ आया नहीं? कुछ भी पैसा वापस नहीं, 1 रुपया वापस नहीं, आपका कोई पैसा वापस नहीं है? जी सर, मैं इनसे मिला था, जैसे मतलब ये बात है, फॉलो किया था इनको अक्टूबर में। आपका शुभ नाम श्रीकांत ही है ना? जी, श्रीकांत कौशिक सर। ठीक जी, यही मेरा सुन जी। तो सर अक्टूबर में मैंने फॉलो किया, उस टाइम पे ये आईफोन का कुछ लेके आए थे जी। मिला था मैं इनसे, मतलब मेरा एक फ्रेंड भी फॉलो करता था इनको, ऐसे ही जैसे ये इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी कटिंग भी आई थी न्यूज़पेपर की जो इन्होंने ट्विटर पे डाली थी भाई, वो शायद गुजरात के न्यूज़पेपर की थी और इंग्लिश में थी। तो उसमें उन्होंने बोला, उसमें लिखा हुआ था कि कोई यूएस का बिजनेसमैन है गुजरात का और वो इंडिया के लिए कुछ करना चाहता है। अच्छा। ये टाइम पे मतलब मोदी जी का नाम वगैरह इन्होंने मेंशन किया और मेक इन इंडिया करके इन्होंने मतलब आत्मनिर्भर भारत करके ये उसमें कटिंग में था कि ऐसा ऐसा हम लेके आ रहे हैं। तो फिर वो आईफोन वाला आया तो इतना सस्ता देख के सर, बिल्कुल ही हाफ प्राइस पे ये दे रहे थे, तो किसी का भी मन करेगा मतलब ना हो पैसे तब भी बंदा अरेंज करने की कोशिश करेगा। तो सर मैंने भी कोशिश की लेकिन उस टाइम पे ट्रस्ट नहीं हुआ, मैंने कहा कौन दे सकता है इतना सस्ता। बट उस टाइम तक बहुत ही ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंसर, बहुत लोग इसको मतलब प्रमोट कर रहे थे, लाइक कुछ कुछ अपने बीजेपी के भी थे, कुछ बाहर वाले भी थे, कुछ राइट विंग बोलते थे अपने आप को, कुछ IAS IPS भी थे सर, वो सब हम आपको एविडेंस दे देंगे, हमारे पास सारी कटिंग्स रखी हुई है जो जो मतलब इन्फ्लुएंसर्स ने इनको इनके लिए हमें इन्फ्लुएंस किया कि आप लो जी। इनको मतलब कुछ अपने नेता तो इनको बर्थडे तक विश करते थे, बड़ा मतलब भाई बोल के भी विश करते थे, तो किसी को भी ट्रस्ट होगा कि यार कोई मतलब इतना पॉपुलर बंदा इनको विश कर रहा है बर्थडे, तो ऑब्वियस अच्छा ही होंगे जी। तो फिर इन्होंने एक दो अपने स्क्रीनशॉट डाले कि मैंने यहाँ डोनेट किया है, वहां डोनेट किया है, एंड ये सब करके सर फिर हम लोग आने लगे बातों में। इन्होंने फिर एकदम से लोगों ने इन्फ्लुएंस किया जो राइट विंग और थे कि भाई वॉच ऑन स्पीक्स ट्विटर हैंडल, भाई उसके ऊपर नजर रखो, कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला आप लोगों के लिए। सो इतना सब हो गया तो हम देख रहे थे, तो इन्होंने तभी एक कोर्स डाला। कोर्स की फीस इन्होंने 3 रखी, 500 रुपए, 1599 रुपए और 45,000 रुपए रखी इन्होंने 3।
तो 500 रुपए इन्होंने कोर्स फीस रखी और 1599 में इन्होंने एक टैब मतलब कोई 1000 रुपए तक का टैब हम आपको देंगे एंड डाटा फ्री देंगे ऐसा भी उसमें था. तो वो भी एविडेंसेस हमारे पास हैं सर. और 45,000 में इन्होंने बोला कि हम थर्ड पार्टी का आपको ट्रेडिंग लाइसेंस देंगे जिसमें आप एज ए प्रॉपर ब्रोकर होते हैं ना जो सर ट्रेडिंग ब्रोकर्स. तो वो आप कहीं किसी का भी अगर आपको अकाउंट हैंडल करना है कोई आप किसी को बोलो कि मैं तेरा अकाउंट हैंडल कर सकता हूँ बोलेगा कि तूने कहाँ से स्टडी की. तो बोला आप अपना लाइसेंस दिखा सकते हो कि मैं एक लाइसेंस ब्रोकर हूँ और मैं तुम्हारा अकाउंट अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ. बाद में पता चला कि जो उनका ब्लू टिक हैंडल था ट्विटर वाला वो भी उन्होंने किसी बैंड का था. वो बैंड बंद हो गया है और उन्होंने ट्विटर से वो बाय किया है. सर मैंने 4,50,000 है मेरा जिसमें मेरा नारद पे के रेफरल्स हैं कुछ दो तीन एंड मेरे को एक भी पैसा नहीं मिला. अच्छा जी मौसम राज मेरा नाम है. जी जी मैं नील पटेल के जो ये स्कैम के बारे में पूछना हूं. जी मैं भी ट्विटर के थ्रू ही आया हूं. जी सारे चीज मैं देख रहा था बड़े-बड़े नेता और मेयर सब फॉलो कर रहे थे उनको. जी 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 ये कोविड के टाइम में इन्होंने ये ऑफर लाया था एप्पल वगैरह और नारद पे पेमेंट बिल पेमेंट का. जी उस टाइम में भी मैं भी वॉच कर रहा था देख रहा था मैं भी कितना बार सोचा कि ले लेता हूँ इतना अच्छे सस्ते फोन है फिर मैंने नहीं लिया था. जी फिर बाद में ऐसे देखते देखते फिर नवंबर में उन्होंने ये ई ज्ञान का कोर्स लॉन्च किया इन्होंने. ठीक है तो उसमें मैंने देखा कि 45K वाला एक प्लान मेरे को सही लगा. ठीक तो उसमें ये था जॉब वाले सिस्टम था ये प्लान मैंने परचेज कर लिया. ठीक है ठीक तो इसके बाद ये कोर्स वगैरह स्टार्ट हो गया. फिर जनवरी से मार्च तक मैंने कोर्स ट्रेडिंग लिया. ठीक तो फरवरी में इन्होंने लाया था स्पीक क्वाइन. ठीक है उसी के अकॉर्डिंग नारद पे का एक तीन दो प्लान लाए थे 30,000 का एक 10,000 का. ठीक तो इसमें ये था स्पीक क्वाइन में कि आप जितने भी नारद पे के प्लान लेते हो और रेफरल करते हो तो आपको उतना स्पीक क्वाइन आपको जैसे ही मेरा स्पीक क्वाइन लॉन्च होता है मार्केट में तो आपको उतना वैल्यू का मिलेगा. ठीक है तो इसमें ऐसे ही था. और उसके बाद ये कोर्स खत्म होने के बाद उन्हें बोल्डन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया था इस पर ट्रेडिंग करना था हम लोग. ठीक उसमें 1366 समथिंग रुपये डॉलर उन्होंने दिए थे अपने फ्रेंड्स. ठीक है फिर वहाँ पे इन्होंने ऑफर लाए थे इन्होंने बोला कि 1366 डॉलर से कुछ नहीं होने वाला है ज़्यादा इनकम कमाना है आपको इसमें मिनिमम $5,000 समथिंग आपको रखना पड़ेगा तब आप ट्रेडिंग कीजिए. तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्लान लाया जिसमें मैंने लिया था 10x प्लान लेके आए थे इन्होंने. इसमें मैंने लिया था $100 का प्लान जिसमें मेरे अकाउंट में $1,000 क्रेडिट किए. फिर मैंने $500 का प्लान लिया जिसमें उन्होंने $5,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट किए. और फिर उसके बाद एक और प्लान था $100 देने के बाद $250 पर मंथ 12 महीनों के लिए बुलेट में क्रेडिट मिलेगा. तो ये सब हुआ. उसके बाद मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और प्रॉफिट भी बनाई मैंने $3,500 के समथिंग प्रॉफिट बनाए. और इन्होंने बोला था जब ये 10x का ऑफर लाया था तो उन्होंने बोला था कि आपको जो है अभी जो भी 10x का डॉलर ये ऑफर लेंगे वो 7 अप्रैल के बाद विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं आप अपने पैसे निकाल सकते हैं जो भी बेनिफिट होगा. तो फिर मैंने 7 अप्रैल को विड्रॉल रिक्वेस्ट डाला $3,500 का. तो उसके बाद उस दिन वेट किया उसके बाद पेमेंट नहीं आया. तो उन्होंने बोला जब पेमेंट के लिए मैंने पूछा उन्होंने बोला कि ये पेमेंट जो है मैंने अपने तरफ से भेज दिया हूँ और ये RBI ने रोक रखा है. अप्रॉक्स 1,06,000 की समथिंग मैंने लगाया था. कितना आपको वापस हुआ? वापस तो कुछ भी नहीं मिला. ये नील पटेल जो है ये अमेरिका में है. स्वाति चतुर्वेदी नाम की पत्रकार ने उनको ट्विटर पे मैसेज दिया था और उन्होंने जवाब में कहा था कि हम इस मामले पर बहुत गंभीरता से इसको दिखवा रहे हैं. मैंने बहुत तलाशा लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं कि इसमें उन्होंने क्या किया. मेरे पास जो लोग बात करने आए थे इनमें से भी एक आदमी ने कहा कि उन्होंने अपने संबंधित थानों में इसकी शिकायत की है. लेकिन ये मामला अंतर्राष्ट्रीय है. अपराधी इस समय अमेरिका में बैठा हुआ है. उसके कुछ एसोसिएट्स भारत में हैं लेकिन ये बहुत फैला हुआ है. जो कुछ बदमाशी की गई है वो साइबर एरिया के जरिए की गई है. शिकायतकर्ता और गवाह और सबूत सब उपलब्ध हैं लेकिन कार्रवाई की ज़रूरत है.
तो कार्रवाई इसमें जो कर सकती हैं एजेंसियां, वो मुझे दो ही सामने नजर आती हैं, एक सीबीआई और एक ईडी। अभी तक उन लोगों ने इस मामले को नहीं लिया है, ये मामला उनको लेना चाहिए, ये मेरी स्पष्ट राय है इसके अध्ययन के बाद। और जो स्टोरी ललन टॉप ने की है, बल्कि एक पत्रकार न्यूज़ लॉन्ड्री की थी, वो भी मैंने देखा है डिटेल्स में, मुझे पता लगा कि वो भी इसकी रिसर्च कर रही थी, मैं देख नहीं पाया कि उन्होंने ये स्टोरी की है कि नहीं की है, मुझे मिली नहीं बाय द वे, हो सकता है उन्होंने भी की हो और मैं कर रहा हूँ, और लोगों ने जो भी इसके तथ्य हैं, जू बियर वालों ने जो इसके बारे में बहुत सारे ट्वीट किए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भी हैं, खुद इसके प्रमोट करने वालों में एक समय में दो दो पुलिस ऑफिसर रहे हैं, उनको ही कम से कम इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, अपने बॉसेस से कहना चाहिए कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तो ये बात इसमें बनती है कि इसमें तत्काल इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए की देखते देखते एक तरह से कहा जाए खुली ठगी हुई है, जिसका सब कुछ मौजूद है, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं, और अमेरिका के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उसमें निश्चित तौर पर अगर भारत सरकार की एजेंसियां इसमें एक्टिविटी करेंगी तो उसको पकड़ा जा सकता है, और उसके अकाउंट्स वगैरह सील करके जो भी पैसा इन लोगों का गया है उसमें से जो बचा हो वो तो कम से कम इनको अगर जितना देर हम करेंगे वो पैसा वैसा डूब जाएगा, फिर बदमाश पकड़ा भी गया तो पैसा नहीं मिलेगा और ये सारे लोग इस लूट के शिकार होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो और इन एजेंसियों के जरिए हो। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।